राजधानी भोपाल में भाजपा नेताओं पर लगातार हमले हो रहे हैं। भोपाल के उत्तर विधानसभा के बाद मध्य विधानसभा में भाजपा नेता देवेंद्र सिंह ठाकुर पर जानलेवा हमला हुआ है। बेखौफ बदमाशों ने भाजपा नेता पर धारदार हथियारों से हमला किया। इस हमले में भाजपा नेता देवेंद्र सिंह ठाकुर का हाथ कटकर अलग हो गया। भारतीय जनता पार्टी ने इस हमले को लेकर कांग्रेस पर आरोप लगाया है। भाजपा का कहना है कि मध्य विधानसभा से कांग्रेस विधायक आरिफ मसूद के समर्थकों ने चुनावी रंजिश के चलते देवेंद्र सिंह ठाकुर पर जानलेवा हमला किया है।